हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उस मैच की जानकारी आपको दूँ। मैं आपको बता दूं, जो 294 रनों पर 6 विकेट पर स्टैम्प हुआ था, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 460 रन बनाए। और अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो हेनरी निकल ने 174 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और वैगनार ने भी 66 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और टीम को 460 तक पहुंचा दिया। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, जो एलजेरी जोसफ ने 3 विकेट लिए और होल्डर ने 2 विकेट लिए और उसम चास ने भी 2 विकेट लिए। इस वक्त वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 57 रनों पर 4 विकेट है। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस वक्त शर्म ब्रॉक 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और जेरम ब्लैकवुड 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। बाकी सभी बल्लेबाज आउट हुए हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन का स्कोर है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ का। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो 2-2 विकेट टेम सऊदी और कायल जेमिनसन ने ली। बात की जाए इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट मैच, अगर बात की जाए तो 194 पर इंडिया ऑल आउट हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 108 पर ही ऑल आउट हो गई। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो किसी भी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए। एलेक्स कैरी ने 32 रनों की पारी खेली, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने आखिर में रन नहीं बनाए और टीम सिर्फ 108 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलिया ए की टीम। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, नवदीप सैनी ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। और आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। बात की जाए तीसरी खबर की, तो ये खबर निकल के आ रही है बिग बैश लीग के मैच के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं, ये मैच ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार के बीच खेला गया। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रिस्बेन हीट की टीम, पूरी टीम 125 रनों पर ऑल आउट हो गई। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो मैं आपको बता दूं, टॉम कोपर ने 26 रन बनाए और क्रिस लिन ने 20 रन बनाए और मैक्स ब्रेनिट ने 20 रनों की पारी खेली। टीम सिर्फ 125 रन ही बना सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो नाथन कुल्टरनायल ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए 10 रन लेकर 4 विकेट लिए और दिलबर हुसैन ने भी 2 विकेट लिए। जब बल्लेबाजी करने आई मेलबर्न स्टार की टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। मार्चेस टॉइन्स ने कोई भी रन नहीं बनाए, एंड्रो फ्लेचर ने 12 रन बनाए, लेकिन हेल्टन कार्ब्राइड ने 46 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और ग्लेन मैक्सवेल ने 46 रन बनाए और ज़बरदस्त पारी के साथ ये मैच मेलबर्न स्टार ने 6 विकेट से जीत लिया। अगर बात की जाए मैन ऑफ द मैच की, तो 4 विकेट के साथ नाथन कुल्टरनायल को मैन ऑफ द मैच हासिल हो गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।